नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सीएसएस के अंदर टॉपिक करेंगे 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसके अंदर ट्रांसलेशन, रोटेशन, शेयरिंग, इस तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम यहां पर मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, माउस ओवर इफेक्ट है, तो इस तरह की वर्किंग हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसलेट की। अगर हम ट्रांसलेट की बात करते हैं तो ये मेथड मूव करता है एलिमेंट को इसके करंट पोजीशन से। सपोज कीजिए जैसे मेरा माउस का कर्सर है, अब मेरा माउस का कर्सर यहाँ पर है, मैं कहता हूँ मेरा माउस का कर्सर यहाँ ना रहे, इस लोकेशन पे चला जाए, तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जब मेरा माउस का कर्सर किसी लोकेशन पर मूव किया तो उसकी एक्स प्रॉपर्टी भी चेंज हुई और वाई प्रॉपर्टी भी चेंज हुई। अब अगर तो उसकी एक्स प्रॉपर्टी चेंज होती है तो वो मूव करेगा किस तरह से, इस तरह से, और अगर उसकी वाई प्रॉपर्टी चेंज होती है तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। लेकिन जहां पर एक्स वाई दोनों चेंज होगी तो वो डायगोनल हो जाएगा। तो जब वो डायगोनल किसी वर्किंग को परफॉर्म करेगा तो उसकी एक्स और वाई दोनों चेंज हो रही है। तो जो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में मैंने यहां पर डिव एलिमेंट को 50 पिक्सल राइट में शिफ्ट किया है और 100 पिक्सल डाउन में शिफ्ट किया है। तो राइट और डाउन को मैं यहां प्रॉपर्टीज दे चुका हूं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, 50 पिक्सल और 100 पिक्सल। तो जो मेरे डिव की एक्चुअल पोजीशन है ये उससे चेंज हो जाएगा और एक न्यू पोजीशन के ऊपर आपकी वर्किंग परफॉर्म करेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं रोटेशन की। अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो इसको हम क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हम मूव कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसी वर्किंग को किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम जो वर्किंग है इसको क्लॉकवाइज परफॉर्म कर रहे हैं, डिव, ट्रांसफॉर्म, रोटेट। तो जहां पर मैं रोटेट की बात करता हूं, मैंने रोटेट में दिया 20 डिग्री। अगर मैं इसी चीज को काउंटर क्लॉकवाइज परफॉर्म करना चाहता हूं तो जो अगर मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज करना चाहता हूं तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव वैल्यू के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वही चीज मैंने यहां पर परफॉर्म की है, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, -20 डिग्री। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं किस तरह से इसकी वर्किंग को परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर मैंने HTML वर्किंग परफॉर्म करनी शुरू कर दी है। मैं HTML टैग को क्लोज करता हूं और इसके बाद मैं यहां पर हेड टैग लेता हूं, मैं हेड टैग को भी क्लोज करता हूं। मैंने स्टाइल टैग लिया और स्टाइल टैग के अंदर मैं यहां पर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना शुरू कर देता हूं। तो मैं सबसे पहले यहां पर क्या करता हूं, एक क्लास ली मैंने सिंपल, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर। तो जब मैंने यहां पर बैकग्राउंड कलर को परफॉर्म किया, मैंने बैकग्राउंड कलर यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी ले लिया, मैं सपोज लेता हूं RGB 234 150 100। और बॉडी टैग में जाकर मैं इस क्लास को यूज कर लेता हूं, डेव क्लास सिंपल। मैंने डिव को क्लोज किया, मैं इसको फ्लोट लेफ्ट भी ले लेता हूं ताकि आपको ये, मैं दो डिव यूज करूंगा और दोनों वो एक साथ ही रिप्रेजेंट कर दे। थोड़ा सा मैं इसमें मार्जिन ले लेता हूं ताकि आपका थोड़ा सा गैप में वो रिप्रेजेंट हो, आपको पता लग जाए कि आपका डिव किस लोकेशन से डिफर हुआ है। मैंने सेव किया, मैं इसी कोड परफॉर्म करता हूं अदर लोकेशन पे। सेव किया, अपने ब्राउजर में गया, अपने पेज को ओपन किया, मेरा पेज है डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप, पेज मैंने बनाया यहां पर ट्रांस के नाम से, पेज आ गया ओपन। तो ये देखिए दो डिव मेरे पास यहां रिप्रेजेंट हो गए, किसी भी कलर वर्किंग के अंदर जो मैंने लिया था उसने परफॉर्म कर दिया। अब मैं यहां एक छोटा सा काम करता हूं, एक क्लास और बना देता हूं ट्रांसफॉर्म की, और इसके अंदर मैं वर्किंग को परफॉर्म करता हूं, ट्रांस फॉर्म रेशो ट्रांसलेट।
ट्रांसलेट मैंने कर दिया 50 पिक्सल 10 पिक्सल। मैं अपने काम को सेव करता हूं, किसी डिव में गया, मैंने यहां एक और क्लास यूज कर ली, ये क्लास थी ट्रांस। अब आप मेरे दोनों डिव्स के अंदर डिफरेंस देखिएगा, उसने उसको मूव कर दिया, थोड़ा सा चेंज भी कर दिया है। मैं किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं वो उसके हिसाब से इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। 100 पिक्सल सेव। तो देखिए वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से हटता जा रहा है। मैं कहता हूं मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे -100 पिक्सल चाहिए, सेव। उतनी ही वर्किंग उसने परफॉर्म कर। मैं कहता हूं मुझे अब इसकी एक और प्रॉपर्टी चेंज करनी है कि यहां पर जो 50 पिक्सल है 50 नहीं चाहिए, 150 चाहिए लेकिन माइनस के चाहिए, सेव। रिफ्रेश। तो ये देखिए उसने एक डिव के अंदर मेरा दूसरा डिव परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इस तरह से हम यहां ट्रांसफॉर्मेशन की वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर लेकर आता हूं, जिस पोजीशन पर मैंने इसको यूज किया था, से। तो इसने मुझे वो वर्किंग रिप्रेजेंट कर दी किस तरह से मैं इसको यूज करना चाहता था। इसी तरह से मैं यूज करता हूं यहां पर रोटेशन का। अगर मैं रोटेशन को फॉलो करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर क्या करना है, एक क्लास और क्रिएट करनी है ट्रांसफॉर्म के नाम की, या मुझे यहां रोटेट पे काम करना है, यहां पर रोटेट के नाम से क्लास बना लेता हूं, रोटेट। चलो ये हमारा एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, मैंने यहां आरओटी के नाम से क्लास बनाई, आर। सेम उसी प्रॉपर्टी को यूज किया ट्रांस फॉर। रोटेट कितना चाहते हो आप? मैं चाहता हूं 60 डिग्री, ओके, सेव। मैं अदर क्लास के अंदर गया और यहां पर मैंने यूज किया किसको, रोटेट क्लास को। तो जब मैं यहां रोटेट क्लास को यूज किया, अब जो मेरी वर्किंग होगी वो फर्स्ट वाले डिव पे होगी। मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए उसने मेरा डिव यहां पर मूव करके रिप्रेजेंट कर दिया। मैं किसी भी एंगल में इसको यूज कर सकता हूं। मैं कहता हूं मुझे 60 नहीं चाहिए, मुझे तो ये 260 पे चाहिए, सेव। वैसी वर्किंग परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो अभी तो हम सिंपल इसको कर रहे हैं, अगर हम इसी को माउस ओवर के ऊपर करें तो ये वर्किंग को परफॉर्म करता रहेगा और आपको उसके रिजल्ट दिखाता रहेगा। मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए 90 डिग्री से, तो अभी जिस पोजीशन पे है उसका 90 डिग्री। मैं कहता हूं मुझे चाहिए 190 डिग्री से। तो आपके पास हर तरह की वर्किंग यहां परफॉर्म हो रही है, आप इसको किसी भी तरह का कर सकते हो। मैं कहता हूं मुझे चाहिए माइनस के 60 डिग्री से, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी और आप इसको माइनस के 60 डिग्री के ऊपर रिप्रेजेंट करके यूज कर पा रहे हो कि आपकी वर्किंग किस तरह की उसने शो की है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू।